हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ AKM क्लासेस में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन को जानते हैं। तो डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अगर हिंदी में समझे तो कहना चाह रहा है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई भी लाइट जो है, कोई लाइट का जो रे है वो किसी सरफेस पे आता है। यानी सपोज दैट ये मेरा हाथ एक सरफेस है, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई लाइट रे यानी लाइट का किरण किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आता है और इस पे आने के बाद जो है वो वापस चला जाता है, यानी इसे टकराने के बाद वापस वो चला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए एक फिगर का मदद लिया है, जो फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन में एक मिरर है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और मिरर में यानी ऑब्जेक्ट में जो है कोई एक लाइट रे OA उस पे फॉल हो रहा है, यानी उसके सरफेस पर पड़ रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट से जो रे है वो वापस जो है सेंड बैक हो जाता है, वापस लौट जाता है जो ओ से बी की ओर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ और बातों को। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मदद करता है। कैसे? तो जब कोई भी लाइट सोर्स यानी सन हुआ या कोई भी बल्ब हुआ, उससे जो कोई भी लाइट सोर्स से लाइट निकलता है और वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट का हमको देखना है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्ट लाइट हमारे आंखों तक जाता है। इस वजह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ और बात करें तो सब ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस सरफेस में होगा जिस सरफेस में जो सरफेस पोलराइज्ड शाइनी ज्यादा हो, यानी वैसा सरफेस जो ज्यादा चमकीला ज्यादा प्लेन हो तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉइंट को और आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं क्या कि व्हाट इज बीम्स ऑफ लाइट। तो द बंडल्स ऑफ लाइट रे डेट इज कॉल्ड बीम्स ऑफ लाइट। यानी लाइट का जो छोटा छोटा लाइट का जो किरण है, यानी लाइट के छोटे छोटे जो किरण होते हैं वो सब जब एक बंडल यानी एक समूह में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीम्स ऑफ लाइट। आगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको समझने के लिए एक फिगर का हेल्प लिए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस फिगर में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इस फिगर में AO जो एक रे है, AO जो एक है वो जो इंसिडेंस रे है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो जब कोई भी लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में फॉल होता है यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट में आता है तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब आगे बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस फिगर में OA जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे को कैसे समझेंगे, तो जब कोई भी रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसके बाद वो रे जो है वो बैक हो जाता है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद, इसी रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो ओ जो पॉइंट है उसको हम लोग इस फिगर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे आता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस रे पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आगे बात करते हैं नॉर्मल क्या है। तो इस फिगर में जो OA जो एक लाइन देख रहे हैं ये इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल को हम लोग कैसे समझेंगे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक जो एक जो लाइन है उसको ही नॉर्मल कहते हैं। वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल से सरफेस से उसका 90 डिग्री एंगल होता है। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो इस फिगर में जो एंगल आई है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आगे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इस फिगर में जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।